जैसे कॉलेज पहुंचो कॉलेज में तो इसी न्यू एडिशन हुई है, देखो खबर मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है। यार अपन ने ऑर्डर किया अपने लिए केले का मिल्क शेक, यानी कि बनाना मिल्क शेक। और भैया ये देख लो मेरी बिफोर बियर्ड सेट वाली लुक, और ये देख लो अभी यार आफ्टर सेट वाली लुक, मतलब बियर्ड मैंने सेट कर ली है और अभी ये अपन के लिए जरा बाल शाल सेट कर रहा हूं। 2 मंथ्स को बिल्कुल स्पोरस के लिए तो सुपर हवा नहीं साबी ऐसा होने 3 बार 3 चके बकारी ना खोरी कड़े पे वीडियोस तो जमा वीडियोस खोली नहीं थी का हां क्या बनने जमा वीडियो एंडिंग होगा। तो आज के प्रोडक्शन के करूँ व्लॉग, यार मैं रोज की तरह कॉलेज पहुंच चुका हूँ और आज तो यार जैसे कॉलेज पहुंचो कॉलेज में तो इसी न्यू एडिशन हुई है, देखो खबर मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है। तो यार अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस तो पहुंच चुका है पर ये लोग मेरी बजाने के लिए बैठे हुए हैं और यार मैं जस्ट वेट कर रहा हूं। बात होना ऐसी है कि अटेंडेंस थोड़ा सा इशू सॉल्व हो चुका है तो मुझे जाना है अपना फॉर्म लेने जो कि नासिर के पास है, तो मुझे हॉस्टल जाना होगा केएमसी का जो हॉस्टल है कासिम हाली का कौन सा राजी हाल आई थिंक, तो वहां जाकर मुझे अपना फॉर्म उससे लेना होगा। तो ये रहा राजी हाल हॉस्टल। ना सिर्फ फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं क्यों, या तो सोया होगा पर सोने का टाइम तो ये नहीं है, बट लेट्स सी ऐसा ना हो कि वो गांव गया हो यार, बड़ा मसला हो जाएगा, मेरा फोन उसके पास रह गया है। ये किमसी के खूबसूरत हॉस्टल देख लो और मैं यार वो दरवाजा खटखटा रहा हूं, कोई बाहर ही नहीं यार। अपन का फॉर्म अपन को मिल चुका है फाइनली, तो अब जा रहा हूं मैं अटेंडेंस का इशू सॉल्व करने अपना यार, क्योंकि फॉर्म बड़ा जरूरी था मेरे लिए। अच्छा प्रेप्स कर ले तो यू नो व्हाट, मुझे लग रहा था वो जागे हुए होंगे तो उन्होंने मुझे बताया कि हम सोए तो है बट हम सोए किस बजे, ये तो सोचा हम 6 बजे सोए, तो मैंने कहा प्रीटी क्या जब सारी रात पढ़ाई कर रहे थे तो फिर सोना बनता है इस टाइम। बात तो सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मुझे कहा है कि यार 1 बजे के बाद आओ, तो तब तक मैं यार आराम कर लेता हूँ। मगर क्यों, नींद तो ऐसे भी नहीं कि मैं तकरीबन मैं 7:15 सोया हूँ और 9:15 उठूँ, तो बस ये 2 घंटे की नींद है मेरी। तो चलिए यार चलते हैं दाढ़ी बना लेते हैं, क्योंकि मेरी दाढ़ी जो है वो काफी ज्यादा जो है रफ हो चुकी है, तो जरा लाइनिंग शाइनिंग इसी बना लेंगे। सो लेट्स गो। यार अपन ने ऑर्डर किया अपने लिए केले का मिल्क शेक, यानी कि बनाना मिल्क शेक। सुबह निकलते वक्त मैंने सिर्फ दूध पिया था, नाश्ता नहीं किया था क्योंकि बहुत ज्यादा लेट था, इंतहाई लेट, मतलब एक्सट्रीम किस्म का लेट था, मुझे जूस पीने की एनर्जी बिल्कुल कम है अंदर। और भैया ये देख लो मेरी बिफोर बियर्ड सेट वाली लुक, और ये देख लो अभी यार आफ्टर सेट वाली लुक, मतलब बियर्ड मैंने सेट कर ली है और अभी ये अपन के लिए जरा बाल शाल सेट कर रहा है। दाढ़ी शाड़ी तो बन चुकी है और टाइम भी हो चुका है, चले अपने अटेंडेंस का इशू सॉल्व करते हैं और जाकर अटेंडेंस भी लगाते हैं, आज की जो छुट्टी की अटेंडेंस है ना फिंगरप्रिंट वो भी लगा देते हैं। तो और भी खाली हो रहे क्योंकि सारे इयर्स वाले जो है वो फ्री हो रहे हैं, बस लास्ट इयर्स ही रहते हैं। तो भैया फाइनली खुशखबरी, मेरा अटेंडेंस का काम हो गया है एंड आई एम रियली हैप्पी, सो हैप्पी, कॉलेज से छुटकारा मिल गया अपने को। अबे साले तो बस यार अटेंडेंस का बस हल हो गया, बस मैं बड़ा खुश हूँ यार। तो यार इसी के साथ मैं घर के लिए रवाना हो चुका और बस पलक झपकती है पहुंच भी चुका है घर। तो भाई बात ऐसी घर आने के बाद मुझे थोड़े काम थे वो मैंने खत्म किए और फिर थोड़ा सा 20 मिनट का मैंने नैप लिया और अभी मेरी आंख खुली है तो बस नमाज मैंने पढ़ी है और अभी मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे एक दोस्त से मिलना है। तो चलिए चलते है। हमारे घर का गेट ओपनर जैसे भी कोई गाड़ी अपनी गाड़ी बाहर निकलनी होती है तो ये दरवाजा खोलता है। पबजी पपटा की स्टडी पर खारा टोल तक के नाश्तो कौन है ये लोग? आगा शमा प्री दया अकबर हो यार, मैं आधे से ज्यादा रास्ता मार चुका था, मुझे टाउन जाना था और वजीद ने मुझे कॉल की कि यार इधर आ जाओ मुझे भी पिक करो, मुझे कुछ बुक्स भी लेनी है ना। बंदा आज बड़ा टेंशन में था, आ चुका है इसके स्टडी करनी है मुझे, अलग सा हाल है इसके लिए दिया तो होना रहा था मुझे। अच्छा जो लोग ज्यादा स्टडी करते हो आखिर में भी उतनी टेंशन में रहते हैं, पूरे पूरे बुक्स बार बार पढ़ लिए होते, एक्स्ट्रा बुक्स उन्होंने कवर किए होते फिर भी वो ज्यादा टेंशन में होते यार ये भी है और वो भी है। अच्छा और जो मतलब बस मना है डिपेंड्स ऑन पर्सन कहता था पहले इतने हिस्सा से इंडिकेट होमा होता था का लोग कहता होता हो इसे लगा बिजी हम कारू ने स्टडी पहले किया इंडिकेट प्रे दा जदा पे हम उस 20 बजे पाती का आ उस में लग मुरा मुरा होती पर मुरा होती प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर 20 बजे पाते जालिम दस टाइट स्टडी तना मां बैठ रेडी मीटिंग दशिन लगा आठ एम डायरेक्टली कॉल करना नो आठ एम लग मतलब स्ट्रगलिंग दा मैं उस समय टाइम पे हमराना कुछ तो बड़े टेंशन क्यों और उसे 20 बजे पाती थी तन मैं दाखो रखा टेंशन नहीं था स्टडी खुद नहीं था सेकंड ईयर शुरू किया तो नो
third year kasano mata ve laga e badi chida shu 3 months must pakar the 3 months 3 months pehle homu bukam na dera khiste that was sas gap lage mana bas mbbs ho jata hai bhai chal chuta ha ye اغی لگا دون ریلی سٹڈی ادت شو یگان چا غی درز لگا دو دری پیج کی بس پاگی ما سیٹیسفائی اغی لگ لگ کی خلوگا کنسسٹنٹلی کی کنا دا سین دا کورت ڈیر رزو دی نا نا اغی ما تل 3 منتھ پ لگا تار کینی دسی ویلو او اغا دغه نه سفیان درویش ما دوی 2 منتھ کو بالکل سپورس کی نو غدا سپر او نی سامی اسون 3 بال 3 چکی وکاری مات صحیح ہے ہر بار کی بھی کیا والا حد کو یار حد کو یہ آیا روز کی طرح میرے لیے سوپ ایز روٹینلی اور اس کے بعد میں نکلا اپنے گھر کے لیے اور یار گھر پہنچتے ہی میں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا کیونکہ آج اس کا موڈ بڑا خراب تھا جب میں گھر سے نکل رہا تھا کیونکہ اسٹڈی شڈی ہے کر رہا تھا اسٹڈی کرتے ہوئے اس کا موڈ ویسے بھی خراب رہتا ہے تو بس میں اسے تنگ کرنا چاہ رہا تھا چاونن زما ویڈ اینڈنگ ہوگا آج اینڈنگ کرے گا قاسم خان اینڈنگ وکے تنگا ول ستا ہوئی سنا کو تان یا ہم کئی تو گا اسے گری ویڈیو پسند نہیں تو